जय श्री सीताराम। कहीं आपने भी अपने घर की या ऑफिस की या दुकान की ईशान दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर तो नहीं बनवाया है, देवालय तो नहीं बनवाया है? यदि ऐसा है तो ये गलत हो सकता है। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप, हम तो हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि ईशान दिशा जो होती है, नॉर्थ ईस्ट जो दिशा होती है, भगवान की दिशा होती है, देवों की दिशा होती है, मंदिर तो यहाँ पर होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कहीं मंदिर तो नहीं बनाए, ये क्या कुछ नया ही लेकर के आए आप? नहीं नहीं मैं नया कुछ लेकर के नहीं आया हूँ, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, और इसे आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, जो मैं भी आगे कहने वाला हूँ। आप एक्सपेरिमेंट यदि करते हैं तो निसंदेह आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैं यहां पर बहुत सही बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर आप ये समझिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर आप हो सकता है कि मिसगाइड हो जाए, आपको लगे कि यार ये बात पता नहीं क्या हो रही है। पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। देखिए, सबसे पहला नियम यह है, सबसे पहला नियम यह है कि जो उत्तर दिशा होती है, उत्तर में आप नॉर्थ ईस्ट ले लें, जिसको हम ईशान कहते हैं, उत्तर में आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ले लें, आप चाहे तो एग्जैक्ट नॉर्थ ले लें, ये जो दिशा होती है ये हल्की होना चाहिए। हाँ, वास्तु शास्त्र ये कहता है कि ये दिशाएं आपके चाहे घर की हो, ऑफिस की हो, दुकान की हो, ये हल्की होना चाहिए, ये साफ सुथरी होना चाहिए, ये गंदी नहीं होना चाहिए। तो हल्की का क्या मतलब है? हल्की का मतलब ये है कि यहां पर कोई भार ना हो, कोई भार ना हो। कई बार आपने ये सुना होगा कि घर का कुछ हिस्सा हमें कच्चा रखना चाहिए, कई बार ये कहा जाता है। तो एग्जैक्टली कच्चा रखने का मतलब पता है ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ये जो दिशा होती है, ये दिशा में यदि आप टाइल्स या फर्श न लगवाएं और उसे जमीन को आप वैसा छोड़ दें, या फिर जमीन को आप ठीक है मिट्टी से भले ही भर दें, लेकिन उसमें टाइल्स का और फर्श का भी भार यदि ना हो, तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ होता है। तो पहला नियम, इसका नियम मैं कहां से ला रहा हूं, नियम ये है कि ईशान दिशा जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ जो है, यहां पर भार नहीं होना चाहिए। तो यदि भार आप किसी भी चीज का रख देते हैं, किसी भी चीज का, तो वो भार ही है। आप चाहे वो टाइल या फर्श लगवा देते हैं उस जगह पर, वो भी एक भार है। हाँ जी, भार है वो भी। तो जब आप मंदिर लेकर के आते हैं, और अच्छा आज के जमाने में पता है क्या हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लकड़ी के अच्छे बड़े बड़े मंदिर बनते हैं। अच्छा, लकड़ी तो छोड़िए, संगमरमर के पत्थरों के बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं स्पेशल, वहां पर फर्श पे फर्श रख करके, और जो इंटीरियर डिजाइनर वाले लोग होते हैं वो स्पेशल वहां पर फर्श पे फर्श रखवा करके, और चार पांच छह खंबे उठवा करके, संगमरमर के खंबे उठवा करके मंदिर बनवाते हैं, बिल्कुल भारी भरकम मंदिर। तो यदि ऐसा कुछ आपने करवाया है, भारी भरकम मंदिर वहां पर बनवाया है या बनाने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़े दोष का निर्माण करेगा। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि फिर देवी देवताओं को कहाँ रखें, भगवान को कहाँ रखें? भगवान वहां पर रखे जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो ईशान दिशा होती है वो ईश्वर की दिशा होती है, भगवान को वहां पर रखा जा सकता है। सबसे श्री रुद्राष्टक आपने पढ़ा है, नमामि शमशान निर्वाण रूपम, ये जो नमामि शमशान मतलब ईशान दिशा के ईश्वर, आपको हम नमस्कार करते हैं, भोले बाबा महादेव जो है, इस मृत्यु लोक के जो स्वामी, वो ईशान दिशा के ईश्वर है। तो ईशान दिशा भगवान के लिए है ही, लेकिन वहां पर जब आप बहुत भारी भरकम कुछ रख देते हैं, भारी भरकम मंदिर ला करके रख देते हैं, तो वो गलत है। ऐसा कुछ आपका सेटअप हो सकता है जहां पर एक दो तीन आपके छोटे छोटे मूर्तियां या छोटे छोटे कुछ फोटो वगैरह रखी जा सकती है, लेकिन ढेरों सारी मूर्तियां ले लीजिए भगवान की, आप बड़े बड़े मंदिर बना लीजिए आप, नहीं जी, ऐसा नहीं करना है। वैसे भी किसी भी घर में बहुत सारे देवी देवताओं की फोटो और बहुत सारे देवी देवताओं के जो आकृतियां होती है, मूर्तियां होती है, होना भी नहीं चाहिए।
अनन्य निष्काम भक्ति इसे ही कहते हैं। अनन्य भक्ति का मतलब होता है कि आप जो है केवल एक भगवान की मूर्ति रखें या फोटो रखें। चलिए एक नहीं रखते हैं हम, पंच देवताओं की पूजा करते हैं तो पांच की रखें, हमारी कुल देवी माता जी की रखें, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा चौड़ा करके रखना ये भी भार पैदा करता है। और जब भार होता है नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारे दोष बनते हैं और बहुत सारे रोगों का निर्माण होता है। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि क्या क्या रोगों का निर्माण होता है। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न आएगा, अरे सर हमारी तो बहुत इच्छा है अच्छा सा मंदिर हो, हमने तो हमारा ड्रीम हाउस ऐसे ही प्लान किया है, हम तो बनाने जा रहे हैं हमारा ड्रीम हाउस, लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि अच्छा इंटीरियर डिजाइनर वाले जो लोग होते हैं उनसे हम कहें कि भैया आप तो अच्छा संगमरमर का अच्छा सा खूबसूरत सा मंदिर बनाइए, या हम तो लकड़ी का मंदिर हमने पसंद किया है, हम तो भारी भरकम बड़ा मंदिर ला करके रखना चाहते, तो क्या घर में वो नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, 100% रख सकते हैं। लेकिन कहाँ रख सकते हैं? तो एग्जैक्ट आपके घर की एग्जैक्ट वेस्ट जो दिशा है, जो पश्चिम दिशा है, वहां पर आप जितना भारी भरकम मंदिर रखना चाहते हैं बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल अच्छे से डिजाइन करवाइए, पत्थर पे पत्थर लगवा करके आप जो है मंदिर बनवाइए, लकड़ियों पर लकड़ी लगवा करके आप जो है मंदिर बनवाइए, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वहां पर आप श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करिए। ईशान दिशा में भारी भरकम मंदिर होगा तो ये दोषों का निर्माण करेगा। मेरा तो यहां तक कहना ये होता है कि ईशान दिशा में जो है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में जो है, उत्तर दिशा में जो है, नॉर्थ दिशा में जो है, आप तो टाइल या फर्श भी ना लगवाएं और कुछ दिशा को कच्चा भी आप छोड़ दें, हाँ कच्चा छोड़ दें, गाय के गोबर से उस जगह का लेपन भी करते रहे आप, तो ये भी बहुत अच्छे शुभ योग बनाएगा, सारे वास्तु दोषों को खत्म कर देगा। करके देखिएगा। अब जो दोष बनता है वो किस प्रकार के रोगों को और किस प्रकार की समस्याओं को पैदा करता है यदि यहां पर भारी भरकम मंदिर होगा, तो देखिए ईशान दिशा का जो भार होता है, ईशान दिशा क्या होती है? ईशान दिशा जो वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष उल्टे लेटे हुए हैं, तो ईशान दिशा में वास्तु पुरुष का सिर है, सिर का ये पीछा वाला भाग। तो यदि यहां ईशान दिशा में भार होगा तो इस जगह भार आएगा वास्तु पुरुष के, और वास्तु पुरुष के यदि इस जगह पर भार आया तो आपके भी इसी जगह पर भार आएगा। भार आएगा मतलब समस्याएं होंगी। तो क्या क्या समस्या हो सकती है? यहां पर जो है न्यूरोलॉजिकल समस्याएं बन सकती है, रीढ़ की हड्डियों की समस्या, रीढ़ की हड्डी पूरा ये कनेक्टेड है ना, रीढ़ की हड्डियों की समस्याएं बन सकती है, इवन डिप्रेशन एंजाइटी जैसी स्थितियां हो जाती है कई बार। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो हो ही जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। घर के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सुनते नहीं है, डब हो जाते हैं बिल्कुल, हाँ देख नहीं पाते हैं, आपके माथे पर बहुत सारा भार रखा हुआ है और आपसे कह रहे हैं कुछ देखो, तो क्या आप आसानी से देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो बच्चे आप जो दिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, हाँ वो कहीं ना कहीं टेंशन एंजाइटी जो है बनी रहती है, मतभेद घर में, आर्ग्यूमेंट्स बने रहते हैं। डायबिटीज सबसे बड़ा रोग है यहाँ का, डायबिटीज। यदि भारी भरकम मंदिर है, ईशान दिशा का भारी भरकम मंदिर हटाइए, देखना डायबिटीज आपकी खत्म हो सकती है, कंट्रोल्ड हो सकती है। थायराइड यहाँ का बड़ा रोग है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर भी ईशान दिशा के भार की वजह से बनता है। हाँ तो यदि ऐसा है तो मंदिर हटाई, भारी भरकम मंदिर वहां से हटाइए और वहां की टाइल या फर्श जो लगी हुई है उसको भी निकाल दीजिए और उस जगह को, जो कच्ची जगह है उसको समतल करके और गाय के गोबर से लेपन कर दीजिए। देखिएगा उसको लेपन जरा करते रहिएगा, थोड़ा सा हर वीक लेपन करते रहिएगा गाय के गोबर से, बाकी कुछ भार उसमें इवन टाइल का फर्श का भार भी मत रखिएगा। देखिएगा आपकी डायबिटीज, आपका थायराइड या बहुत सारी जो समस्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है वो खत्म हो जाएगी, कंट्रोल्ड हो जाएगी। न्यूरोलॉजिकल समस्या में पैरालिसिस आता है, मिर्गी आती है, ये सारी समस्या खत्म हो सकती है यदि किसी को पैरालिसिस है। तो ये बहुत बड़ा मेरा रिसर्च भी है, मैंने कई सारे लोगों के घर में ये पाया भी है, मैंने उन्हें ये रेमेडी दी भी है जो मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूं। ये आप करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपको फायदा नहीं हुआ तो बोलिए, बिल्कुल होगा फायदा। और कौन सी बहुत कठिन रेमेडी है फर्श को निकाल करके उस जगह पर गाय के गोबर का लेपन करना? बहुत आसान है, गौमूत्र से उस जगह को साफ करना बहुत आसान है। और भारी भर का मुख्य आज का उद्देश्य यह था कि भाई ईशान दिशा में और उत्तर दिशा में भार किसी भी प्रकार का मत रखिए, हाँ अब वो भारी भर का मंदिर ही क्यों ना हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के सत्र में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।